ना, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम प्रदीप कुमार झा है। झा साहब अपना पूरा परिचय दें सर, पूरा डिटेल में। मेरा नाम प्रदीप कुमार झा है, बाबूजी स्वर्गीय रामचंद्र झा जी, और मेरा गांव जो है यहाँ से 4-5 किलोमीटर आगे डोगना गांव है जी सर, जो विश्वेश्वर स्थान डोगना गांव में ही आता है जी सर, तो यहीं पे है जी सर। सर जहाँ हम लोग बैठे हुए हैं कौन सा जगह है सर? ये उजान खड़गपुर उजान जी, विश्वेश्वर स्थान के नज़दीक ये भी है जी सर, खड़गपुर उजान जी, इसके पास में ही डोगना स्टेशन है, डोगना रोड स्टेशन है जी सर। अभी जो हम लोग जिस स्कूल में बैठे हुए हैं, इस स्कूल का नाम क्या है सर? अमोघ विद्यापीठ। अमोघ विद्यापीठ सर, उसके आप संचालक डायरेक्टर हैं जी सर। ये स्कूल का स्थापना कब से हुआ, कब से चालू हो रहा है? 2018 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई जी सर। और अभी मान लीजिए अभी यहाँ इस स्कूल में टोटल कितने शिक्षक और शिक्षिका है? हमारे यहाँ अभी 7 जो है मेल टीचर है जी सर, और 5 फीमेल टीचर है सर। अभी जो पढ़ाई हो रहा है यहाँ, किस क्लास से किस क्लास तक पढ़ाई हो रहा है? क्लास नर्सरी से लेकर के क्लास 8 तक पढ़ाई हो रहा है सर। अगर हम आपको पूछें कि आपके यहाँ कोई गार्जियन बच्चा को क्यों देगा, आपके यहाँ क्या फैसिलिटी है, क्या क्वालिटी है, तो आप थोड़ा इस पर बोले सर। देखिए सबसे पहली बात मैं आपको ये बता दूँ जी सर कि मेरा ये जो शिक्षा, लोगों का जो मानना है या लोग जो जानते हैं कि शिक्षा एक व्यवसाय है जी सर, तो ये जो है ना, जैसे ही आप ये सोचेंगे कि शिक्षा एक व्यवसाय है और व्यवसाय की तरफ ले जाएंगे गलत भाव, तो वो उसमें सबसे बड़ी बात क्या हो जाएगी जी, जो मेरा पहले विषय था जी सर कि आप फिर गलत तरीके अपनाने लगेंगे अपने व्यवसाय को पूरा करने के लिए। व्यवसाय का मतलब हो जाता है कि आप प्रॉफिट के बारे में सोचेंगे, आपकी प्रॉफिट क्या है जी सर, और शिक्षा एक ऐसी चीज है जहाँ पे इसका जो प्रॉफिट है उसका रूप अलग है जी सर, कि आपको इसका रिवार्ड मिलता है रिस्पेक्ट के रूप में जी सर, रिवार्ड मिलता है आदर्श के रूप में रिवार्ड, और वो रिवार्ड जो है उसको पैसे से भी आंका जा सकता है जी सर। तो इसमें क्या है कि अगर आप शिक्षा को एक व्यवस्था का रूप देंगे जी सर, तो उस व्यवस्था, वो व्यवस्था बनने के बाद जी सर जो व्यवसाय देगा वो व्यवसाय जी सर लोगों के लिए फलीभूत होगा जी सर, और बच्चों के लिए एक जहाँ यहाँ पे मैं आपको बता दूँ आज की डेट में जी सर कि अमोघ विद्यापीठ में जी सर का जो इस एरिया में जो नाम है जी सर, उसमें ये लेकर के है कि जो और जगह पे बच्चों की शिक्षा में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई के लिए को लेकर के ही बातचीत होती है जी सर, हमारे यहाँ बहुत सारी बातें जी सर बच्चे को संस्कार देता है, और जगह पे कहा जाता है संस्कार की बातें, यहाँ पे सिखाया जाता है जी सर। यहाँ पे बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जी सर जो कहते हैं जी सर, अमोघ विद्यापीठ में आने के बाद मेरे अंदर में बहुत सारा बदलाव हुआ है जी सर। तो जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक बच्चे नहीं बदलेंगे, चाहे हम कितना भी कहें जी सर। तो यह चीज संस्कार है, जो संस्कार मान लीजिए यहाँ बच्चे को प्राप्त है, संस्कार है जी, लेकिन उसमें और बहुत बड़ी बात क्या है सर, संस्कार का की परिभाषा भी आज के टाइम में बदल चुकी है जी सर। संस्कार का मतलब हम समझते हैं कि उसको पढ़े लिखे रहे जी, बुरा नहीं बोले जी, इतना तक तो संस्कार में आया था जी सर, लेकिन संस्कार के उसको व्यवहारिक ज्ञान आज के टाइम में नहीं है जी सर। आज के जनरेशन को आप देख लीजिए कि वो अपने से बड़े या 10-5 आदमी के बीच में उसको बोलना नहीं आता है जी सर। तो जो भी बड़े बुजुर्ग हैं वो क्या सोचते हैं कि लगे पढ़ा लिखा है और हमको बिल्कुल समझता है इसलिए नहीं बोल रहा है जी सर, उनको ये नहीं पता है कि इसको बोलना नहीं आता, ये बस पढ़ा लिखा है जी सर, लेकिन इसको बोलना नहीं आता इसलिए नहीं बोलता है जी सर। तो ये जो बोलने की कला है, जो व्यवहारिक ज्ञान है जी सर, जो मैनर्स है, वो इन चीजों का जो बच्चों में कमी है जी सर, इस वजह से बच्चे आज हम लोगों के बीच में सामने में नहीं आ रहा है जी सर। पढ़ा लिखा तो है जी सर, लेकिन और चीजें नहीं। सर आपने सब कुछ यहाँ के आम जनता को, ग्रामीण को, शहर हो या कस्बा हो, सबको आप डिटेल में बोल ही दिए हैं कि हमारे यहाँ क्या क्वालिटी है, क्या पढ़ाई हो रहा है, क्या संस्कार प्राप्त हो रहा है। सर अभी कुल कितने बच्चे हैं आपके यहाँ? हमारे यहाँ लगभग 200 बच्चे हैं, प्लस 200। सर एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि प्रत्येक स्कूल का अपना ड्रेस होता है, ड्रेस होता है, जैसे मान लीजिए किताब का सिलेबस है,